वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेन सेल टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपका एक बच्चा है जो नेचुरली कंसीव हुआ था और अच्छा खासा है, बड़ा हो गया है। अब आप सोच रहे हैं कि हम दूसरा बच्चा प्लान करें और ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। तो ये होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी कि आप दूसरी बार माँ नहीं बन पा रहे हैं, जबकि आप पहली बार नेचुरली तरीके से बने थे बिना किसी ट्रीटमेंट को लिए हुए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और इसके होने के क्या कारण हैं, और ये अगर है तो इसके रीज़न क्या होते हैं, और इसके लिए आप कौन कौन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और ये होने की वजह क्या क्या हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए जानते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती क्या है। फ्रेंड्स, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं, सेकेंडरी यानी दूसरी बार, इनफर्टिलिटी यानी कंसीव ना कर पाना, यानी बच्चे को जन्म ना दे पाना, तो ये होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इसको कैसे पहचानते हैं फ्रेंड्स, इसकी पहचान क्या होती है। मोस्टली आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि जो महिलाएं होती हैं उनको अगर पहली बार बच्चा कंसीव होता है या पहला बेबी हो जाता है, तो उसके 1.5 या 2 साल के बीच में उनको दूसरा प्रेगनेंसी आ जाती है, नेचुरली आ जाती है, और अपने आप ये कंसीव हो जाता है, दूसरा बच्चा हो जाता है। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि जो आपका पहला बेबी होता है वो हो चुका होता है, और दूसरी बार आप उसको ट्राई कर रहे हैं, दूसरी बार कंसीव नहीं होता है, और जो पहला होता है वो नेचुरली हुआ होता है, उसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी ट्रिक आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन दूसरी बार में ऐसा नहीं होता है, आप 6 महीने से ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है। तो यहाँ होता क्या है, पहले तो महिला यही सोचती है कि हमारा पहला बेबी जो है नेचुरली तरीके से हुआ है तो दूसरा भी नेचुरली हो जाएगा, और इसके लिए वो वेट करती रहती है, और 6 महीने से ज़्यादा, 2 साल 3 साल हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको कंसीव नहीं होता है, ना ही आप डॉक्टरी एडवाइस लेती है। तो ये जो कंडीशन होती है इसे ही हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि जब हमें पहले ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहला बेबी जो है नेचुरल तरीके से हुआ था, और तो दूसरा क्यों नहीं हो रहा। इसमें एक और कंडीशन होती है कि आपको अगर कंसीव हो भी जाता है, मान लो सेकेंड टाइम पे आपको कंसीव हो गया, तो फिर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बच्चा पूरा 9 महीने का नहीं हो पाता, उसके पहले ही एबॉर्शन हो जाता है या बच्चे की डेथ हो जाती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि उसका जो पूरा साइकिल होना चाहिए 9 महीने का वो नहीं हो पाता, तो ये भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के ही अंदर आता है, और उसके बाद आपको कंसीव नहीं होगा। तो ये होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब हम इसके होने के रीजंस पे बात करते हैं। तो इसके रीजन पे सबसे पहला रीजन जो होगा वो होगा आपकी एग क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, की एग, अगर आप कहेंगे कि हमारी एग क्वालिटी में प्रॉब्लम होती है तो हमको कंसीव ही नहीं होता, तो इसमें एक चीज़ जो है वो फैक्टर होता है आपकी एज, क्योंकि जब आपकी पहली प्रेगनेंसी हुई होती है उस टाइम पर आपकी एज जो होती है कम होती है। और जैसे कि आपको बताई है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी एग की क्वालिटी में अंतर आता है, एग रिलीज होने की संख्या में कमी आ जाती है, या फिर एग ओव्यूलेशन में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि तो एक जो महिला होती है पैदाइशी ही कुछ अंडे लेकर पैदा होती है, और वो हर महीने निकलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, और एक एज के बाद इसकी जो क्योंकि ये बनते तो है नहीं, जितने रिजर्व में होते हैं उसी में से ख़त्म होते रहते हैं, और इनकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दूसरी चीज़ होती है, जब आपकी एज बढ़ती है तो इनमें कुछ डिफेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं, उनमें बदलाव हो जाते हैं, जिसके कारण से या तो बच्चा जो होगा वो सही से बनता नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट नहीं आना, या फिर उसका शेप नहीं बनना, या फिर कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम होना, या फिर जेनेटिकली उसमें कुछ चेंज हो जाना, ये सभी रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये आगे कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है कि हमारा वेट जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है,
जिसके कारण से भी आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा होता है कई बार कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनका एबॉर्शन हुआ होता है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे होते हैं फर्स्ट डिलीवरी में, जैसे कि आपको सिजेरियन हुआ है, तो इसके कारण से हमारे जो यूट्रस है या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स है उसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाना या टेढ़ा हो जाना या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, इन सारी तरह की कंडीशन हो जाती हैं जिसके कारण से भी आपको कंसीव नहीं होता है। तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में होते हैं उसी तरीके के इसमें भी होते हैं। एक और रीजन होता है जो बहुत कॉमन है, वो होता है हमारे हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना यानी इम्बैलेंस हो जाना, क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हॉर्मोन्स में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण से आपके पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं या फिर दूसरे हॉर्मोन्स की वजह से भी आपको कंसीव नहीं हो पाता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहली जरूरी बात होती है कि ये सारे रीजन में से आपका रीजन क्या है ये पता लगना जरूरी होता है, और इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट ही करना पड़ेगा, तभी आपको दूसरी प्रेगनेंसी जो है आएगी। तो ये सभी रीजन है, और उसकी को डॉक्टर के पास जाने पर वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो आपके कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट में क्या क्या टेस्ट वो कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला उनका जो टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट ही होता है, और इसमें वो देखते हैं कि आपको वो हॉर्मोन्स से के ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ट्रीट किया जाता है। दूसरा होता है ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड करके वो देखते हैं कि अंदर से कोई और दूसरी दिक्कत तो नहीं हो रही है, और सिस्ट हो या आपको पीसीओडी हो गया हो या फिर अंदर किसी तरह का कुछ और चीज़ की प्रॉब्लम हो रही हो, ये भी चेक करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वो जांच और क्या लिख सकते हैं, वो आपका ट्यूब का जांच कर सकते हैं, ट्यूब ब्लॉकेज का, तो इसको भी वो देखते हैं। इसके अलावा वो आपका वेट लॉस के लिए भी कुछ दे सकते हैं, या फिर वो पूरी जाँच करने के बाद ये पता लगाते हैं कि आपकी इनफर्टिलिटी की वजह क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके लिए अगर आपको पता चल जाता है जैसे कि ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका जो पीरियड है रेगुलर है, तो इसके लिए कुछ या तो वो दवाइयाँ देंगे या फिर आप कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनको ट्राई कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा ये ट्राई करने के बाद भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो फिर आपको मेडिकली ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर हमें चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।